चलो देखो। समांतर श्रेणी, इस शब्द से क्लियर हो जाता है। समांतर यानी कि समान डिफरेंस, समान अंतर वाली श्रेणी, है ना। तब देखो जरा इधर लिखना नहीं, अभी देखते जाओ। 2, 4, 6, 8, 10, 12 क्या है? समान अंतर वाली श्रेणी है, हे एपी सीरीज है ना, सब में समान अंतर दो दो का। 5, 10, 15, 20, 25, 30 है समान अंतर, है ना, समान अंतर कंटिन्यू, ठीक है। तो समझ गए समान अंतर वाली श्रेणी, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी समान अंतर, एक एक रुपए का एक जैसा अंतर होना चाहिए, कंटिन्यू, है ना। और ये जो अंतर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अंतर को क्या बोलते हैं? डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस है बट कॉमन है, एक जैसा है, तो कॉमन डिफरेंस, है ना। तो कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डी से, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी में इसको शायद सार्वंतर या सर्वांतर ऐसा कुछ बोलेंगे, ऐसा भी कुछ है ना। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, क्लियर। अच्छा, यहां का कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। यहां का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2-2। यहां का कॉमन डिफरेंस कितना है? 1-1, है ना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकाला कैसे जाता है? अरे लिखो नहीं ना, अभी देख लो ना, जैसा आपको ठीक लगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, कॉमन डिफरेंस निकाला कैसे जाता है? अगले में से पिछले को माइनस करो, कि किसी भी दो के बैक टू बैक जोड़े को ले लो और अगले में से पिछला माइनस कर दो, ठीक है। ये तरीका वैसे ही समझ में आ रहा है, लेकिन एक लिखने के तौर पर कि नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, है ना। कोई भी दो का जोड़ा ले लो, 15 में से 10 माइनस करोगे 5, अगला माइनस पिछला, कोई भी दो का पेयर। तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है? नेक्स्ट टर्म, नहीं नहीं, नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म नहीं लिखना चाहिए, कोई भी दो टर्म का अंतर नहीं। इसका यह है कि नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाले को आप माइनस करते हो। हाँ, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, है ना। समझ गए आप? समझ गए ना, नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीरीज है आपके सामने, -10, -8, -6, -4, -2, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? +2 या -2? इसका कॉमन डिफरेंस -2 आएगा। क्या आएगा? -2, ठीक है। देखिए कैसे आएगा -2, मैं आपको बताऊं। क्या बोल रहे हो? अरे हाँ यार, सॉरी, +2 आएगा, ठीक है, +2 आएगा। देखिए नेक्स्ट वाले में से किसको माइनस करेंगे? प्रीवियस वाले को। तो -8 में से आप माइनस करिए -10 को। तो -8 में से जब आप -10 को, मतलब नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, है ना, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका? +2, है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? +2, ठीक है। अब जो इसमें स्टार्टिंग टर्म जो होता है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? ए, ए मतलब फर्स्ट टर्म। ए मतलब फर्स्ट, यानी कि किसी भी श्रेणी का प्रथम पद, है ना, प्रथम पद, ठीक है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म। इसका, इस सीरीज का ए क्या है? 2। इस सीरीज का ए क्या है? 5। इस सीरीज का ए क्या है? 1, है ना। तो किसी भी श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? ए, है ना, ठीक है। अब देखो इसका एक होता है लास्ट टर्म, यानी कि nth टर्म। अच्छा, इसको तो मिटा दूं ना, कोई यूज नहीं। देखो
एक होता है एल बराबर एनथ टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल मतलब होता है लास्ट टर्म या एनथ टर्म, एक ही चीज हो गई। एल मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद, और टीएन मतलब एनथ टर्म, एनथ टर्म यानी कि एनवा पद, एनथ टर्म है ना, इसके बारे में बात करेंगे। यदि लास्ट टर्म बोलो एनथ टर्म बोलो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सॉरी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। अब देखिए क्या है कहानी, अभी लिखना है, इधर ध्यान दो आप। तो फर्स्ट टर्म को हम हमेशा क्या मानेंगे? ए। इतना दिख रहा है क्या यहां पे, इसमें बताओ जरा, दिख रहा है? फर्स्ट टर्म को क्या मानेंगे? ए, क्लियर। और कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। तो प्लस डी कर करके आगे जाते जाए, प्लस डी कर करके आगे जाते जाए, कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। पहला टर्म ए बनेगा और डिफरेंस यदि डी है तो अगला टर्म ए प्लस डी, फिर डिफरेंस डी है तो फिर डी जुड़ेगा तो डी डी टू डी, फिर प्लस डी 3D, फिर D, A प्लस 4D, क्लियर। डेज 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 डेज। अब सुनो, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं nth टर्म निकालने की। ये फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है शायद आपको, सुनो मेरी बात। पहला टर्म है ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है। अब आप देखो पांचवे टर्म पे कितने डी आ रहे हैं? चार। जो नंबर का टर्म है उससे एक कम आ रहा है डी का कोफिशियंट। चौथे टर्म पे क्या आ रहा है? तीन। तो एनथ टर्म पे एन माइनस वन टाइम्स डी आएगा। अरे बहुत छोटी सी और बहुत सरल सी और बहुत शानदार सी बात है, जो पोजिशन है टर्म का उसकी तुलना में डी का कोफिशियंट कम है ना, क्लियर। तो एनवी पोजीशन पे डी का कॉफिशियंट एन माइनस वन आ जाएगा, सीधी सी बात है। और वो ए प्लस तो चल ही रहा है, तो ए प्लस फोर डी, तो ए प्लस कितना डी? एन माइनस वन डी। तो बताओ लास्ट वाला टर्म एपी सीरीज का एल कितना बना? ए प्लस एन माइनस वन डी। या फिर लास्ट टर्म के साथ साथ इसको एनथ टर्म भी बोलते हैं, एनवा पद, एनथ टर्म। तो एनथ टर्म को किससे डिनोट करेंगे? टी एन से। तो टी एन बोलो या लास्ट टर्म बोलो, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये समझ में आया है फॉर्मूला? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें? क्या बनेगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो लास्ट टर्म बोलो या एनथ टर्म बोलो, इसका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें अच्छा, इस सीरीज समझ में आया? पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो प्लस डी कर करके आगे आगे जाते जाओ। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, और एनवा पद, तो एन पे एन माइनस वन डी, है ना। अब इसका सम होता है, सम टू एन टर्म्स, एन बाई टू ए प्लस। इसको बनाने के तीन तरीके, एन बाई टू ए प्लस एल, है ना, तीन तरीकों से बता दूंगा मैं इसको। या फिर ऐसा करो कि आप एल का वैल्यू पुट कर दो। एल का वैल्यू क्या है? यही है ना, एल का वैल्यू, एल का वैल्यू पुट कर दो आप यहां पर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो क्या हो गया ये, एन बाई टू टू ए एन माइनस वन इंटू डी। ये भी एक फॉर्मूला होता है ना, तो ये भी फॉर्मूला और ये भी फॉर्मूला। अब कहने को ऐसा हो जाएगा कि जब लास्ट टर्म दी हो तो ये लगाओ सीधे, है ना, और जब लास्ट टर्म नहीं दी हो तो फिर ये वाला लगाओ एन और डी का यूज करके, ठीक है, ऐसा कहते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा इसकी बात हम करेंगे, पहले इस बेस पर जो क्वेश्चन से अच्छे अच्छे वो कर लेते हैं, फिर इधर पे आएंगे, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इस बेस पर, इसको कॉपी कर लो, जो कर रहे हैं लिख लो। ये इस पर हम आते हैं अभी थोड़ी देर से, है ना।
थोड़ा जल्दी करना है ना। क्या ये पेज का कोई फोटो लेके शेयर कर लो ना ग्रुप पे, और दो तीन पेज और आएंगे कल, ये तीसरा है। ग्रुप पे शेयर मार दो उसको, है ना। अब आप तो बॉयज के ग्रुप में केवल शेयर कर पाओगे, है ना। आप कॉपी करो, पहले कॉपी करो इसको। लिख लिया क्या? हाँ, वो जो सबसे पहला पेज जो मैंने शेयर किया था, आ जाइए उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर वन, क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर वन का? ए तो 3/2 और डी 1, माइनस 1 आएगा ना, माइनस 1 आएगा। क्या? अच्छा, बाद में ऐड हुए हो। अच्छा, वो व्हाट्सएप पे एक बार और शेयर कर दो ना, तीन पेज उठा के फिर से, दो तीन पेज जितने भी हैं एक बार और लेकर फिर से शेयर कर दो। चलो मिटाऊं इसको, चलिए चलते हैं आगे। देखिए, किया शेयर किया, पहला पेज और दूसरा पेज तो आपने कर लिया होगा पूरा कि नहीं किया? कर लिया ना। तीसरा, चलो अभी मैं पहले पेज पे आता हूं, थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा, हो जाएगा, है ना। चलो, आया, शेयर कर दिया, पहुंचा इधर आपके पास। चलो, पहला सवाल क्या है? बड़ा इजी सा है, लाइटली नहीं लेना। 3/2, 1/2, माइनस 1/2, माइनस 3/2, इसका ए और डी निकालना है। तो ए तो क्या हो जाएगा, डी कैसे निकालते? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट ये वाला जोड़ा ले लो, तो नेक्स्ट क्या है 1/2, और प्रीवियस क्या है 3/2, माइनस 1 आएगा, डी कितना आएगा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? फटाफट करते जाओ, ये बच्चों वाली चीज है, ये 7th क्लास में है सवाल, 7th नहीं यार, 9th में, नहीं 7th में तो नहीं, 9th, अरे 9th में भी नहीं है, 10th में, सीबीएसई वालों के 10th में और एमपी बोर्ड वालों के 11वीं में। एमपी बोर्ड हमेशा पीछे रहता है। हाँ, मेरे को नहीं पता, अब क्या सेम हो गया सिलेबस? अच्छा, पैटर्न चेंज हो गया ना अब शायद। अच्छा, एनसीईआरटी चलने लगी। ओके, ठीक है।
क्या? हाँ टक्कर देंगे नहीं। सीबीएसई वाला बैठा है कोई यहाँ पे? सीबीएसई वाला जिसने स्कूलिंग सीबीएसई से की हो? पांच लोग, छह, ओके। और बाकी सब एमपी बोर्ड है? मैं भी एमपी बोर्ड ही हूँ। हाँ एमपी बोर्ड ही हूँ ना मैं। ये कॉपी कर लिया ये? चलो क्वेश्चन नंबर टू में एपी सीरीज बनानी है, बना लोगे? सवाल नंबर दो, क्वेश्चन नंबर टू, टू में एपी सीरीज बनाना है। जैसे ए बराबर 10, डी बराबर 10, तो एपी सीरीज का क्या फॉर्मेट होता है? ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, तो रखते जाओ ए 10, 10 प्लस 10 20। अब आप भी जानते हो 10 10 का अंतर है, तो बार बार वैल्यू रखने की जरूरत नहीं। 10 20 के बाद 30 40 50, कर लोगे ना ये सवाल? अच्छा वो डी वाला कर लेते हैं, माइनस वाला है ना, एबीसी तो कर लोगे आप, क्वेश्चन नंबर टू का एबीसी आप कर लोगे, डी वाला करते हैं। डी वाला मिटा दो इसको, डी। चलिए देखिए डी की बात करें तो डी में ए क्या दिया है? माइनस वन, और डी क्या दिया है? वन बाय टू। चलो तो ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, डेज डेज डेज। चलो ए क्या है? माइनस वन, ए प्लस डी तो माइनस वन प्लस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू आएगा क्या ये? है ना। अब देखो आधा आधा बड़ा, पचास पचास पैसा बढ़ाते जाओ, पचास पचास पैसा बढ़ाते जाओ। इसमें पचास पैसा बढ़ाओगे तो जीरो आ जाएगा, इसमें पचास पैसा बढ़ाओगे वन बाई टू आ जाएगा, वन आएगा, थ्री बाई टू आ जाएगा, बन जाएगी सीरीज वन बाई टू, जोड़ते जाओ ना लगातार, है ना। मिटा दूँ, मिटा दूँ इसको? ठीक है, इसके बाद वाला भी, इसके बाद वाला कर लेते हैं। ई, ई में क्या है? ए क्या है? माइनस वन पॉइंट टू फाइव, और डी क्या है? माइनस का 0.25, है ना। ठीक है चलो, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, डैश डैश डैश। चलिए अब हम यहां से यदि बात करें, ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है? माइनस का 1.25, और ए प्लस डी की बात करें, अच्छा 25 पैसे लगातार घटते जाएंगे, माइनस 25 पैसा मतलब 25 25 पैसा घटाते जाओ, डी माइनस में है, माइनस में कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब लगातार उतना घटता जाएगा, और प्लस में है मतलब लगातार उतना बढ़ता जाएगा। तो 25 25 पैसा घटाओगे इसमें तो एक रुपया बचेगा माइनस का? नहीं नहीं हाँ 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 ठीक है ठीक है, माइनस का 1.5, फिर माइनस का 1.75, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 2.25, बन जाएगी सीरीज, या फिर यहाँ वैल्यू रखते जाओ। शांति से खेलना है ना, जल्दीबाजी के चक्कर में ज़्यादा लाइटली मत लेना, है ना। ये ए और डी का वैल्यू रखते जाओ या तो आप, ठीक है, तो भी बनता जाएगा। मिटाऊं, मिटाऊं कि नहीं मिटाऊं? हाँ किस में? बी वाले में। अच्छा डी बराबर जीरो है, ओके ओके, हाँ अच्छा ये कर लेते ना बी, वो उसमें माइनस टू माइनस टू माइनस टू ही आएगा कंटिन्यू, हर टर्म माइनस टू। हाँ क्या माइनस टू मतलब? नहीं अकेला कैसे होगा, माइनस टू माइनस टू माइनस टू तो आएगा ना, अकेला होगा तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिफरेंस किसका लोगे? हाँ इधर देखो, चार 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 चार, क्या ये एपी सीरीज है? बोलो है कि नहीं एपी सीरीज है? डिफरेंस सबका क्या है? जीरो है ना, तो माइनस टू माइनस टू माइनस टू, कॉमन डिफरेंस जीरो। सिर्फ फोर लोगे तो सीरीज नहीं बनी ना,
इसको मिटा दूं, ठीक है। वो बी वाला क्या है, सेकंड का बी, ए बराबर माइनस टू और डी बराबर क्या है, जीरो, है ना। ए बराबर माइनस टू और डी बराबर जीरो, है ना। तो माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू ऐसे ही बनेगा ना। अरे लिख लो यार, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, ए का वैल्यू माइनस टू लगाओ और डी का वैल्यू जीरो लगाओ, तो समझ रहे हैं आप, माइनस टू माइनस टू माइनस टू, डेज डेज डेज, ठीक है। चलो तीसरे में ए पी सीरीज कौन सी है, और यदि है तो उसका ए और डी, टू फोर एट सोलह है क्या एपी सीरीज, जीपी सीरीज है वो, जीपी दो चार आठ सोलह, इसको मिटा दूं क्या, ज्यादा लाइटली नहीं लेना चीजों को, ना थोड़ा सा सीरियस हो जाना, छोटे छोटे सवाल है ना देखो, लेकिन कभी कभी परेशानी क्रिएट कर देते हैं। सवाल नंबर चार में पहला वाला सीरीज दो चार आठ सोलह, क्या ये एपी सीरीज है, नहीं, या दो का अंतर है या चार का अंतर है, नहीं है ना एपी सीरीज, तो पहली वाली एपी सीरीज नहीं है। दूसरा टू फाइव बाई टू थ्री, क्या ये एपी सीरीज है, यस, ये दो, ये ढाई, ये तीन, ये साढ़े तीन, है ना, आधे आधे का अंतर कंटिन्यू, ये एपी सीरीज है। यदि एपी सीरीज है तो उसका ए और डी निकालने को बोला है, तो इसका ए क्या है, टू, और कॉमन डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो ढाई में से दो घटाओगे तो आ जाएगा ना पॉइंट फाइव। ये प्लस माइनस का ध्यान रखना, डी में यहाँ गड़बड़ कर सकते हो आप, है ना। चलो इसके बाद मिटा दो इसको, एक एक को कॉपी करोगे ऐसे, आप तो खुद भी कर लोगे ना, कर लोगे ना, तो बस, तो फिर मेरे को चलने दो थोड़ा स्पीड से। चलो तीसरी सीरीज माइनस थ्री पॉइंट टू माइनस फाइव पॉइंट टू माइनस सेवन पॉइंट टू डेश डेश डेश। चलो देखो क्या है कहानी, सुनिए, अच्छा यदि हम यहां से देखें, ठीक है, तो सुनिए, एपी सीरीज है क्या, है ना, देखो ना दो दो रुपए का अंतर है, माइनस दो हो रहा है लगातार, घट रहा है, अरे देखो ना, इसमें माइनस टू करोगे तभी तो ये आएगा ना, माइनस वन पॉइंट टू माइनस टू माइनस का थ्री पॉइंट टू, यानी कि माइनस टू से आगे बढ़ रही है सीरीज। अच्छा आप छोड़ो, इतना देख के समझ में आ गया एपी सीरीज है, लगातार दो दो का अंतर एपी सीरीज है कि नहीं है, ठीक। ए क्या है, माइनस का वन पॉइंट टू, डी क्या होता है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, इस जोड़े को ले लो, नेक्स्ट क्या है और प्रीवियस क्या है, माइनस का वन पॉइंट टू, माइनस का 3.2 प्लस 1.2 माइनस का 2 आएगा। ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस में गड़बड़ मत कर देना, प्लस 2 छाप के आ जाओगे, नहीं तो लगाओ प्रॉपरली, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यू विल गेट डिफरेंस माइनस 2। चौथा वाला है क्या एपी है, तो कर लोगे, कर लेना। पांचवा है क्या एपी, क्या बात कर रहे हो, हाँ है ना, मतलब वो थ्री थ्री प्लस रूट टू वाला है ना एपी सीरीज, इसको मिटा दूं क्या, रफ कर दूं इसको, ठीक। अरे यार मार कर गया ना नीचे अंदर,
अरे दूसरा ले लूंगा बाद में निकालना। ये मार्कर अब कभी नहीं निकलेगा वहां से, पता है आपको, अब भूल जाओगे कल तक और मैं भी भूल जाऊंगा। चलो इधर। 3 3 + √2 जिनके होते जा रहे हैं वो करते जाओ आगे आगे, रुको नहीं। 3 + √2 है क्या एपी सीरीज है ना, √2 √2 बढ़ रहा है कंटिन्यू। देखो ना यहां से यहां +√2 हुआ, यहां से यहां फिर तो √2 √2 √2 हो गए, √2 + √2 कितने हो गए 3√2। क्लियर इतनी बात? आप मेरे को ये बता दो आपको समझ में आई कि नहीं आई, एपी सीरीज है, आ रही है समझ में? √2 √2 एड हो रहा है कंटिन्यू, तो फर्स्ट टर्म क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस क्या है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस 3 + √2 - 3 3 3 कैंसल क्या आएगा √2, या फिर अलग ही दिख रहा ना √2 √2 जुड़ रहा है तो √2। तो ये सारे आप कर लेना, नहीं आए तो कोई डाउट हो तो बताना फिर, है ना। फिफ्थ पर चलते हैं, पांचवे पर चलते हैं। मिटा दो क्या इसको, रफ कर दो इसको, सुनिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान दो, 2 7 12 क्या आंसर है इसका, इसका 10th टर्म निकालना है, क्या निकालना है 10th टर्म है ना, 10वां। अच्छा सुनो मेरी बात, इधर देखो सुनो, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, ऐसे करते करते भी 10वां गिन सकते हैं। अच्छा कितना बढ़ रहा है, 5 5 बढ़ रहा है, तो 12 + 5 17 17 + 5 22 22 + 5 27 + 5 32 32 + 5 37 + 5 47 52 हो गया क्या 10वां, चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा और 10वां, 47 आंसर आएगा इसका, कितना आंसर आएगा इसका 47। ये सबसे अच्छा तरीका, गिन गिन के चले जाओ।
सुना मेरी बात, मतलब इससे ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, समझ आ रही बात, क्या निकालना है आपको, ठीक है? तो आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, हाँ आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे हम? नहीं बोल रहे थे, ठीक है। तो क्या आएगा? 47। अब सोचो, सुनो, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दसवां पद निकालना है तो एन बराबर 10, 90 आ जाएगा। एन की वैल्यू क्या डालो? 10। मतलब मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं फॉर्मूले का यूज समझा रहा हूं। दसवां पद निकालना हो तो एन बराबर 10 लगा दो इसमें, टेंथ टर्म आ जाएगा, 10 माइनस 1 ए प्लस 90 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर? मतलब आप ये सोचो, जितना टर्म निकालना उससे एक कम आता है कि नहीं आता है? वहां भी देखा था आपने, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तीसरे टर्म पे 2d आ रहे थे, फोर्थ टर्म पे 3d आ रहे थे, तो दसवें टर्म पे 9d आएंगे। तो बार बार ये फॉर्मूला भी नहीं लगाना, इसकी आदत डालो ना सीधे कि दसवें टर्म पे ए प्लस 9d, बीसवां टर्म निकालना है तो ए प्लस 19d। आ रहा है समझ में? तो दसवां टर्म निकालना है तो ए प्लस 9d। चलो, ए का वैल्यू क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते? किन्हीं भी दो को पकड़ के नेक्स्ट माइनस प्रीवियस आएगा 5, या फिर 5-5 जुड़ रहा है ना, तो 2 प्लस 45 कितना आ जाएगा? 47। कोई समस्या इसमें? वेरी गुड, बहुत शानदार। सवाल नंबर 6, क्या एक और पेज नहीं यार, अभी नहीं है मेरे पास, उसका फोटो लेना पड़ेगा, अभी नहीं रखा मेरे पास, अभी रात में डाल दूंगा, कर लेना फिर। हाँ, ये हो गया पूरा, सारे कर लिए, एक भी नहीं छूटा, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो, कौन सा? अच्छा, पिछले में 0.2, 0.22, 0.222, क्या बताना इसमें? तो नहीं है ना, एपी सीरीज कहाँ है? वो एपी सीरीज नहीं आएगा ना, वो नहीं है ना, तो जबरदस्ती थोड़े ना करना, नहीं है तो नहीं है वो। आप देखो ना, माइनस करो, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, नहीं है एपी सीरीज। हाँ, इसे कैसे हो सकता है? इसको मिटा दूं क्या? क्या कौन सा सवाल बोल रहे हैं आप? 0.2 क्या सीरीज है बोलो? 0.22, 0.222, 0.422, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको माइनस करो। चलो देखते हैं, यदि डिफरेंस सेम आ रहा तो हो गई, करो इसमें से माइनस, क्या आएगा ये? 0.02 आएगा, है ना? यहां से माइनस करोगे तो कहां आ रहा है? और ये नहीं आ रहा ना, डिफरेंस सेम, अलग अलग आ रहा है ना, सो दे आर नॉट एन, दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। छठे का आंसर क्या है? छठे का क्या? 35th टर्म आ रहा है। अच्छा, इसको मिटा दूं क्या? चलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6th क्वेश्चन, 21, 18, 15 डेज है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि इसी सीरीज में आगे जाके एक टर्म माइनस 81 आएगा, क्या बोला जा रहा है हमसे?
इसी सीरीज में आगे जाके एक टर्म ऐसा आएगा जो माइनस 81 होगा, वो कौन से नंबर का टर्म होगा? जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये कौन से नंबर का होगा ये पूछा है। अच्छा पहले ये चीज समझो, क्या इस सीरीज में आगे माइनस 81 तक जाने के चांसेस है? बिल्कुल है, घट रहा है ना, लगातार घट रहा है, तो घटते घटते जीरो को क्रॉस करके नेगेटिव में ट्रांसफर हो जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा माइनस 81? कौन से नंबर पे आएगा? तो जिस भी नंबर पे आएगा हम तो इसको क्या मान लेते हैं, इस सीरीज का लास्ट टर्म मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको लास्ट टर्म। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। तो अब nth टर्म बोलो, या तो लास्ट टर्म मान लो, या फिर क्या मान लो, nth टर्म, एक ही बात है। nth टर्म बोलो, लास्ट टर्म बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, अच्छा लास्ट टर्म का वैल्यू क्या पुटअप कर दूं? nth टर्म बोल लो, लास्ट टर्म बोल लो, क्या पुटअप कर दूं? इस सीरीज का एंड टर्म माइनस 81। अच्छा a क्या है इसका? 21 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या? माइनस 3। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस माइनस 3। n का वैल्यू जैसे ही आया पता चल जाएगा ना, 1 2 3, इसको हम nth टर्म मान लेते हैं, लास्ट टर्म। तो n का वैल्यू जैसे ही आएगा पता चल जाएगा ना कौन सा टर्म है वो। क्लियर, तो हो गया। और क्या सॉल्व, क्या करना है इसमें? माइनस 81 माइनस 21 कितना आ जाएगा? माइनस 102 बराबर n माइनस 1 माइनस 3 है ना। माइनस 3n प्लस 3, 21 इधर आएगा, हो जाएगा ना ऐसा। 3n बराबर 102 प्लस 3, 35 बार जाएगा 3 से, n बराबर 35, यानी कि दिस इज 35th टर्म। तो ये माइनस 81 कौन से नंबर पे आएगा? 35वां पद। तो माइनस 81, विच टर्म इज माइनस 81? 35th टर्म, 35वां पद। ये समझ में आया कि नहीं आया? 35th टर्म 35वां पद है ना। हो गया क्या ये कॉपी? सेवंथ का आठवां, मिटा दूं क्या इसको, रफ कर दूं इसको? ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्या सीरीज है? 21 से स्टार्ट है ना, 21 18 15, कौन से नंबर पे जीरो आएगा? सीधे ही चले जाओ, ऐसे ही मिल जाएगा पास में ही है, तो जो पास में हो खुद ही दौड़ के भाग जाओ। देखो तीन तीन लेस हो रहा है ना, 15 के बाद 12, 9, 6, 3, आ जाएगा जीरो। कौन से नंबर पे है? आठवें नंबर पे आ रहा है जीरो। तो जीरो कौन सा टर्म है? आठवां टर्म, 8th टर्म। या फिर यू कैन गो थ्रू बाय फॉर्मूला, 15
12, 9, ये क्यों लिख रहा हूं, जीरो कौन से नंबर पे आएगा? तो लास्ट टर्म को जीरो मान ले, लास्ट टर्म या nth टर्म को क्या मान ले, जीरो, है ना। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दे, तो लास्ट टर्म का वैल्यू क्या पुट अप कर दो, जीरो। इसका a क्या है 21, d क्या है -3, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस d है इसका -3, क्लियर। तो 0 = 21, -3n + 3, 3n इधर आ जाएगा, तो 3n = 24, तो n = 8 आएगा ना, 8वां टर्म। ये देखो, समझ रहे हो ना सवालों को, क्लियर है ना, ठीक है। वैसे छोटी छोटी दिक्कतें क्लियर हो जाए इसलिए छोटे छोटे सवाल लिए मैंने थोड़े। चलो 8th क्वेश्चन, अच्छा दिख रहा है, ऐसे ही ओरली हो जाएगा वो तो, है क्या नहीं, एक एक का डिफरेंस आ जाएगा कॉमन, तीन चार पांच छह सात आठ नौ सीरीज बन जाएगी ना। हाँ, हाँ मिटा दूं क्या इसको, रफ कर दूं इसको, क्वेश्चन नंबर 8 में तीसरा पद क्या दिया है 5, थर्ड टर्म 5 एंड सेवंथ टर्म कितना गिवन है 9, है ना, ठीक है। तीसरा टर्म 5 और सेवंथ टर्म क्या है इसका 9। अब इसमें यदि हम देखें क्या निकालना है, सीरीज निकालनी है, ठीक है। देखो एक तो फॉर्मूला, मैं फॉर्मूले से नहीं करूंगा, डायरेक्ट ही हो रहा है, 3 और 7 में 4 का अंतर है, यहां भी 4 का अंतर है, तीसरा टर्म 5 है तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 4, पहला टर्म क्या हो जाएगा 3, तो बन गई ना सीरीज 3 4 5 6 7 8 9, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, या फिर ऐसे कर लो, पहला टर्म यहाँ आएगा, दूसरा टर्म यहाँ, तीसरा टर्म यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ और नौवां यहाँ। तो थर्ड टर्म क्या दिया इन्होंने 5, सीरीज का तीसरा टर्म 5 और सातवां टर्म 9, तब देखो ना 4 की दूरी है, और वैसे भी 4 का ही मार्जिन है, 4 की दूरी है ना, 5 6 7 8 9, तो 5 के बाद 6 7 8 9 सीधे सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पीछे क्या आएगा 4 और 3 बन जाएगा, या फिर a + d, ये तरीका है सीरीज बनाने का, बिल्कुल बेसिक से बता दे रहा हूं सारी चीज ताकि कंफ्यूजन ना हो, a और d का वैल्यू लगाओगे ये सीरीज बना देगा। अब a और d का वैल्यू कैसे निकाले, अच्छा थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा a + 2d, और सेवंथ टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a और d के दो इक्वेशन से a और d दोनों आ जाएंगे, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर देखो ये होता है ना, तो थर्ड टर्म इनकी जगह 3 रखो तो आ जाएगा ना, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, इनकी जगह 3 रखोगे 2d, और सेवंथ टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला a + 2d और सेवंथ टर्म बराबर a + 6d, यहां से a और d दोनों निकाल लोगे, सॉल्व करके ए और डी निकाल के रखते जाओगे, सीरीज बनती जाएगी। ये सबसे बेसिक तरीका, दिस इज द मोस्ट बेसिक अप्रोच, यू कैन यूज इट, इसको कर लोगे सॉल्व या करके बताऊं, माइनस कर लो ना दोनों को, तो ए से कट जाएगा 6d - 2d 4d, और 9 - 5 4, तो d = 1 आ जाएगा, d = 1 यहां रखोगे
तो ए का वैल्यू 3 आ जाएगा। किसी भी इक्वेशन में डी बराबर 1 रखोगे ए बराबर 3 आ जाएगा, डी बराबर 1 और ए बराबर 3। तो चलिए ए बराबर 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, बना लोगे ना सीरीज? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगले में चेक करना है क्या 301 इस सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा। आएगा आएगा नहीं आएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन चेक कैसे कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। प्लस किससे भाग दे रहे हो? बाकी सब में क्या हो रहा है? अच्छा प्लस वन करने से, अच्छा हाँ सही तरीका है, ये भी बढ़िया है। एक बड़ा के 6 से भाग यदि जा रहा है तो है, अदरवाइज नहीं है। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। नहीं है ना? इसके अलावा और कैसे चेक करोगे? एक तो ये कर लिया आपने, ये नहीं लगता तो फिर क्या 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 फिर से बोलो। ए को माइनस कर देंगे और डी से भाग दे देंगे। हाँ ये सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इससे यदि इंटीजर आता है तो है और डेसिमल में आता है तो नहीं है। बताता हूं n की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, नहीं आती मतलब नहीं है। बिल्कुल सही, करेक्ट है। सिक्स्थ सेंस का कमाल है ये। छठी इंद्री का प्रयोग हो रहा है। इसमें क्या है देखो, इसके सारे टर्म देखो आप सीरीज के, सीरीज के टर्म दिख रहे हैं 5, 11, 17, 23। हर एक टर्म में एक जोड़ोगे तो वो 6 का मल्टीपल बन रहा है। 5 + 1 = 6, 6 का मल्टीपल है। 11 + 1 = 12, 6 का मल्टीपल है। तो बस हर एक टर्म में वो सिमेट्री होनी चाहिए फिर। चलो देखो बेसिक तरीका इसका क्या हो सकता है। मिटा दूं क्या इसको? है ना,